हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सब की IBPS PO की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा SBI PO का एग्ज़ाम है 27th को, तो अभी सिर्फ एक दिन बचा है मेरे पास। इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक का मेमोरी बेस्ड मॉक अटेम्प्ट किया था, मैंने ऑलिव बोर्ड का भी मेमोरी बेस्ड मॉक अटेम्प्ट किया था, और इस बार मैंने टेक्स्ट बुक का किया है। तो ये 21 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड मॉक है, तो इसका एनालिसिस देखते हैं कंप्लीट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और मेरे 20 स्कोर है मेरा। तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग मैं चाहती हूँ कि ना हो मेरी। तो मैं मॉक टेस्ट में ये हैबिट डाल रही हूँ कि मैं ज़्यादा अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करूँ, क्योंकि अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और आपका स्कोर नेगेटिव मार्किंग के बाद 60-65 तक रह रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतने अटेम्प्ट्स का। उसकी जगह पे अगर हम 75 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं और 70 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमारा स्कोर 60+ में है, तो आई थिंक वो थोड़ा बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। और आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्वांटिटेटिव। तो इसमें मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर है इसमें 20.5। और रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर इसमें 22 है, एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं हुआ। अगर आप लोगों में से किसी का एग्ज़ाम 21 नवंबर शिफ्ट 2 में था, तो आप प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या शिफ्ट 2 में बहुत ही ज़्यादा पजल्स आई थी। बिकॉज जैसा कि यहाँ पे मेंशनड है कि ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट है शिफ्ट 2 का, तो इसमें रीजनिंग में बहुत सारी ही पजल्स थी। आई थिंक 25 क्वेश्चंस तो पजल्स के थे, जिसको देखा जाए तो मतलब 5 पजल्स हो गए क्वेश्चन में। और जो 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस थे भी, वो बहुत ही ट्रिकी थे, कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्शन का क्वेश्चन भी लेंदी था। तो अगर आप लोगों ने दिया होगा 21 नवंबर को, तो आप बताना कि क्या रीजनिंग इतनी ही टफ़ थी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी लगी टफ़ और टाइम कंज्यूमिंग। तो इसमें मैंने सिर्फ 22 ही अटेम्प्ट करे। तो अगर आप देखो तो मेरा फाइनल स्कोर इसमें है 62.5, मैंने टोटल अटेम्प्ट्स किए थे 70। और जैसा कि यहाँ पे मेंशनड है कि इनके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ 45 से 48 होना चाहिए और मेरा स्कोर 62.5 है। तो अब बस ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्या होता है, क्योंकि मॉक्स में तो हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं और एग्ज़ाम में जनरली प्रेशर में आती हुई चीज़ें भी गलत करके आते हैं। तो ये है मेरा रैंक है 66 आउट ऑफ 6,609 स्टूडेंट्स, स्कोर 62.5। एक्यूरेसी मेरी 91% है और मेरी परसेंटाइल है इस मॉक में 99। तो I wish you all the very best for your results and all the upcoming exams। और please, आप लोगों में से जिसका भी exam हुआ हो 21st को या 20th को, तो reasoning का level बताएगा कि puzzles and all कैसी आई थी।